हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रोस्ट फ्लाई लाइक एन ईगल स्वागत करता हूँ राइड 4 के डे 4 में, जहाँ आज का प्लान होने वाला है सर्जेकोट जेट्टी, सर्जेकोट सुवर्णकड़ा, वागेश्वर मंदिर, तोंडावली और तलाशिल बीच। तो अब चल पड़ते हैं अपनी पहली मंजिल की ओर, जो कि है सर्जेकोट जेट्टी। ये जो जेट्टी है एक्चुअली टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिशिंग होने वाली ही बोट्स ही रहती है और उनपे काम वगैरह चलता रहता है। तो फिर यहाँ पे जाना क्यों? उसका सिंपल रीजन ये है कि जो तलाशिल बीच है उसका एंड यहाँ से दिखता है, तो उसके लिए फिर वहां जाके वो एंड देखने के लिए सिर्फ एक राइड जरूरी है। और इस टर्न के बाद जो ऑफ रोड शुरू हुआ है, जो नज़ारे दिखे हैं, जो सिनेरियो दिखा है और जो गाड़ी चलाने का मज़ा है ना, वो नेक्स्ट लेवल था। आप जैसे वीडियो कंटिन्यू करोगे ना, वैसे आपको देखने को मिलेगा जो एक राइडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला ना, वो इजीली कहीं नहीं मिलता सिवाय कोकण के या फिर गोवा के। तो कुछ ऐसा नज़ारा है सर्जेकोट जेट्टी का, जहाँ मछुआरों के जहाज लगे हुए हैं और मछुआरे अपना काम कर रहे हैं। अब आप सामने जो देख रहे हो उसे कहते हैं तोंडावली संगम पॉइंट, जहाँ पे गढ़ नदी और अरब समुद्र का संगम होता है। वैसे तो इस पॉइंट पे आने के लिए, जैसे आप सामने देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि पास में ही है, हम बोट वगैरह से आ जा सकते हैं, बट वैसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये टूरिस्ट के लिए जगह ओपन नहीं है, उस वजह से फिर आपको पूरा घूम के ऑल द वे 14 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद तलाशिल बीच जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद फिर आप पैदल चल के इस पॉइंट पर आ सकते, क्योंकि आप बाइक या कार नहीं आती। अब चलते हैं हमारे अगली मंजिल की ओर, जो कि है सर्जेकोट सुवर्णकड़ा। ये डिस्टेंस एक्चुअली 1 किलोमीटर का ही है, बट यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा सा है, उस वजह से यहाँ पे सिर्फ बाइक भी जा सकती है, कार से नहीं जा सकते, या तो फिर आप पैदल चले जा सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसे कहते हैं सर्जेकोट जेट्टी। ये पुरानी वाली जेट्टी है जहाँ पे शिप्स का काम होता था, अभी तो ये बंद हो चुकी है, और जो नया वाला हमने मतलब पिछले वाला देखा वो वाले पे काम चलता है। तो पहले यहाँ पे गए मैं थोड़ी देर, यहाँ पे कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट किए जो कि आप आगे देखोगे ही। थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोड गया क्योंकि यहाँ पे पैच बहुत अच्छा था, तो ऑफ रोडिंग करने में थोड़ा सा मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से रिटर्न हुए और आगे चले जहाँ पे सुवर्णकड़ा की जगह है वहाँ की ओर। यही वो पुराना जेट्टी पॉइंट है जहाँ पे पहले शिप्स का काम होता था, मतलब अभी भी होता है, बट अभी ये एज अ जेट्टी वर्किंग में नहीं है। एंड दिस इज द मोस्ट फेमस सुवर्णकड़ा। अब इसे सुवर्णकड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें इन कटे हुए पहाड़ों पे पड़ती है तो एक सोनेरी रंग की इस पे परत चढ़ जाती है, उस वजह से ये कड़ा एक सुवर्ण रंग में दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं सुवर्णकड़ा। अब वक्त है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग का।
अब अगला स्टॉप है वागेश्वर टेम्पल। तो अब टेम्पल में तो शूट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर लोकल के लोगों ने एक जगह बताई जो कि एक गुफा है, वहाँ जाकर देखने को। अब इस जगह की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो टेम्पल का नाम पड़ा वागेश्वर टेम्पल, वो इसलिए क्योंकि जो एक वाघ था, एक बाघ था, एक टाइगर था, वो इस गुफा में आके बैठता था। वहाँ पे वो टाइगर और उसके साथ साथ एक साधु थे, वो यहाँ आके बैठते थे, अपनी साधना करते थे। तो उस वजह से उस बाघ का यहाँ पे आना जाना घूमना था, तो फिर उसके लिए लोगों ने यहाँ पे टेम्पल बनाया वागेश्वर टेम्पल, जो कि एक महादेव का टेम्पल है। इसलिए यहाँ पे हमने दर्शन लिए और फिर चल दिए अपने तलाशिल बीच की ओर। आप प्रस्थान करते हैं अपनी आखिरी मंजिल की ओर जो कि है तलाशिल बीच। तो इस बीच पे जाने के लिए आप कैसे भी एंटर कर सकते हो, इसलिए फिर मैंने पहले सोचा कि केसरी बीच रिसोर्ट पे चलते हैं, वहाँ पे चाय शाय पीते और फिर उसके बाद बीच पे एंटर करते। और इस रिसोर्ट की खासियत यह है कि इन्होंने एक अच्छा सा एक छोटी सी जगह बना के रखी है बीच साइड पे, और दूसरे एंड पर जहाँ से आप बैठ के सनसेट वगैरह देख सकते हो, बीच साइड आप डिनर या लंच वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए फिर वहाँ बैठे, वहाँ से निकले और बीच पे गए, बीच पे थोड़ा सा घूमा और फिर उसके बाद वापस अपने घर की ओर। तो अभी इस केसरी रिजॉर्ट या फिर इस तलाशिल बीच की मैं बात करूं, तो आप वागेश्वर टेम्पल से निकलते हो, उसके बाद हार्डली 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बचता है तलाशिल आने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इसके बीच में जो एक पैच है, एक बहुत ही गंदा रास्ता है, जो कि काइंड ऑफ जंगल बोल सकते हो उसको, तो ऑफ रोड पैच बहुत डेंजर है यहाँ पे। तो अगर आपके पास वैसा व्हीकल नहीं है तो थोड़ा सा आराम से आना पड़ेगा, स्पेशली कार्स के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत बेकार है। मतलब रास्ता ही नहीं है, पूरा फूटा टूटा है, मिट्टी के गड्ढे वगैरह, पूरा बेकार रोड है। तो आराम से आइए और मज़े करिए यहाँ पे बीच पे आके, क्योंकि बहुत ही सुंदर बीच था, बहुत ही साफ बीच था, बहुत ही कम भीड़ थी यहाँ पे, लोग इधर उधर ज़्यादा कुछ फालतूगिरी नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा समय बीता और उसके साथ साथ एक ट्रिप का भी यहाँ पे अंजाम होता रहा।